टीचर्स हाउस वंस अगेन मैं नामिका सिंह और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट टू के बारे में। मेरा लेटेस्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो भी अबाउट टू का था। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? वो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया वो अबाउट टू की प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए था या नियर फ्यूचर की सिचुएशन के लिए था। आज जो वीडियो है अबाउट टू का, ये उसकी पास्ट सिचुएशन के लिए है। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे अबाउट टू की पास्ट सिचुएशन को यूज करना है, कहाँ पे अबाउट टू के प्रेजेंट सिचुएशन को यूज करना है या नियर फ्यूचर सिचुएशन को यूज करना है। तो देखिए, अबाउट टू अगर पास्ट सिचुएशन के लिए यूज करना है तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, उसकी जो पहचान होगी वो होगी ने वाला था, ने वाली थी या ने वाले थे। मैं जाने वाली थी, वो आने वाला था, पापा मुझे पैसे देने वाले थे, सर रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे, मैम वीडियोस अपलोड करने वाली थी, हम लोग इंग्लिश बोलने वाले थे। सब में देखिए पास्ट, जो अभी रिसेंटली वो समय बीता है उसके लिए हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, मैं ऐसा करने वाला था, मैं वैसा करने वाला था। तो वहां पे देखिए ने वाला था, नी वाली थी या ने वाले थे, आइडेंटिफिकेशन मिलता है आपको। कैसे बनता है, कैसे हम फॉर्म करेंगे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है आपके सामने। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आप या वॉज यूज करेंगे या फिर वर्क का यूज करेंगे। कहां पे वॉज और कहां पे वर्क का यूज होगा, सिंगुलर पर्सन अगर नाउन है तो उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर्क का यूज करेंगे। यू को भी हम प्लूरल मानते हैं इसलिए यू के साथ भी हम वर्क का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन अगर होती तो यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो फिलहाल सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्क, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। फिर नॉट, इनफैक्ट नॉट को हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, इसलिए कि अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो ही नॉट का यूज होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, तो वहां पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अबाउट टू, फिर वर्ब, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए देखें कैसे एक सिंपल हिंदी के सेंटेंस जो अबाउट टू का है उसको इंग्लिश में हम चेंज करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है जिसको मैं सिंपल सेंटेंस कहती हूँ या पॉजिटिव सेंटेंस कहती हूँ, मैं आपको बताने वाला था। ऐसे होता ना, बस मैं आपको बताने ही वाला था, किसी काम से भूल गया, तो मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी कि काम को कर कौन रहा है? मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आपने आई लिख लिया। अब वॉज का यूज होगा या वर्ग का यूज होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है क्योंकि मैं की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे वॉज लगेगा। मैं पहले बता चुकी हूँ सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा और प्लूरल के साथ वर्ग का यूज होगा, यू के साथ भी वर्ग का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज, फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दिखने से ही लग रहा है यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए नॉट का यूज नहीं हुआ। फिर अबाउट टू, हमने अबाउट टू लिख लिया। फिर वर्ब, वर्ब मीन्स यहाँ पे एक्शन क्या है, काम क्या है, क्रिया क्या है। काम है बताना, बताने को इंग्लिश में टेल कहते हैं और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी इसलिए टेल लिख दिया। और ऑब्जेक्ट है यू, मैं आपको। तो कैसे, कितनी आसानी से देखिए एक ऐसा सेंटेंस बन गया। और हम बहुत ज्यादा ऐसे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे बोला, आई वॉज अबाउट टू टेल यू, आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू, बस मैं बस आपको बताने ही वाला था या बताने ही वाली थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कल मेरे दोस्त दिल्ली जाने वाले थे। देखिए तो ये कल, लेटेस्ट कल ही, कल की बात हो रही है, लेटेस्ट पास्ट घटना की बात हो रही है। तो कैसे बोला मैंने, कल मेरे दोस्त दिल्ली जाने वाले थे, गए या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन वो जाने वाले थे, नए वाले थे, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मिला। ये भी एक सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में, सब्जेक्ट होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे काम को कर कौन रहा है, पर्सन हु एक्ट, तो यहाँ पे मेरे दोस्त, सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरे दोस्त। मेरे दोस्त प्लूरल है क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त की बात नहीं की, कई सारे दोस्तों की बात की, ग्रुप की बात की, तो वो हो गया प्लूरल, इसलिए माय फ्रेंड्स के साथ वॉज का यूज नहीं होगा, वर्ग का यूज होगा। तो माय फ्रेंड्स वर्ग। फिर नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर अबाउट टू का यूज होगा, अबाउट टू लिख लिया। फिर वर्ग क्या है, जाना, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, चूंकि फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है इसलिए आपने गो लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू दिल्ली, दिल्ली।
और यस्टरडे कल, बीते हुए कल की बात हो रही है यस्टरडे। ये यस्टरडे हम आगे भी लगा सकते थे, यानी सेंटेंस की शुरुआत में भी यूज कर सकते थे। कोई दिन, तारीख, महीना हम आगे पीछे कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस बीच में कहीं नहीं, क्योंकि हमें इस स्ट्रक्चर को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम, ये फिर से सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है, तुम कार चलाने वाले थे। लोग ऐसे कहते हैं, क्या भाई क्या बात हो गई, तुम तो कार चलाने वाले थे। तो देखिए, तुम कार चलाने वाले थे, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुम। तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, हमने यू लिख लिया। मैंने अभी बताया कि अगर सिचुएशन प्रेजेंट की होगी तो यू के साथ आर का यूज होगा, सिचुएशन अगर पास्ट की होगी तो यू के साथ वर का यूज होगा, क्योंकि यू को हम एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, वर। सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से हमने चूज कर लिया वर, क्योंकि यू के साथ वर का यूज होता है। फिर से नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस है। और फिर अबाउट टू, यहाँ अबाउट टू का यूज हो गया। फिर वर्ब है यहाँ पे चलाना। अगर यही दो पहिया गाड़ी होती, बाइक या स्कूटर की बात करते, तो यहाँ पे हम राइड का यूज करते, क्योंकि यहाँ पे कार की बात है, कार चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे ड्राइव लिख लिया। और फिर कार, तो कैसे बनाया, यू वर अबाउट टू ड्राइव कार। ये एक सिंपल सेंटेंस है, जो कितनी आसानी से हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लिया हम लोगों ने, छोटी सी, छोटे से सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से। अब देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं जो कि नेगेटिव है, इसमें नहीं का प्रयोग होगा, ये नकारात्मक सेंटेंस है। तो देखिए कैसे, बच्चे नहीं जाने वाले थे, सॉरी, बच्चे नहीं जाने वाले थे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बच्चे। बच्चे इंग्लिश में क्या कहेंगे, चिल्ड्रेन। अब चूंकि एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी आपको ये पता है कि बच्चे जैसे ही चिल्ड्रेन वर्ड यूज होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ आपने चिल्ड्रेन यूज किया, वॉज का यूज नहीं होगा क्योंकि चिल्ड्रेन सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अब आप क्या यूज करेंगे, वर, चिल्ड्रेन वर। फिर अब नॉट का भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है, तो आपने नॉट यूज कर लिया। फिर अबाउट टू का यूज हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहीं यूज होना है इसलिए गो लिख दिया, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से, चिल्ड्रन वर नॉट अबाउट टू गो। अब ये देखते हैं एक सेंटेंस ऐसा जो कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हो और उसमें एक क्वेश्चन के पूछे जाने का फील हो, वो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या तुम उसे पढ़ाने वाले थे, पहली पहचान में क्या मिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि वो शुरुआत उसकी क्या से हुई। और देखिए सुनने से ही आपको लग जाएगा कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, क्या तुम उसे पढ़ाने वाले थे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझसे ही पूछा जा रहा है कुछ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए छोटा सा चेंज करते हैं वैसे स्ट्रक्चर में, वो क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट की जगह, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह बस इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे, होना तो चाहिए था तुम, चूंकि सब्जेक्ट तुम है तो पहले हमें यू लिखना चाहिए था, उसके बाद यू के साथ वर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए यहां पे कर दिया, वर को यू की जगह और यू को वर की जगह कर दिया, ये हो गया। फिर नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद अबाउट टू का यूज हो गया, अबाउट टू के बाद हमें वर्ब देखना है, वर्ब यहाँ है पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है इसलिए टीच ही लिख दिया, और फिर ऑब्जेक्ट भी हिम हो जाएगी कि उसकी बात हो रही है, हर भी हो सकता था यहाँ पे, हिम भी हो सकता था। तो वर यू अबाउट टू टीच हिम, क्या तुम सच में आज उसे पढ़ाने वाले थे, वर यू रियली अबाउट टू टीच हिम। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। बस कुछ भी नहीं, एक ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हो, उसमें नहीं का प्रयोग भी हो, एक नॉट भी यूज हो जाएगा उसमें। कैसे, क्या तुम उससे नहीं मिलने वाली थी, सबसे पहले आपको क्या मिला, क्या, यानी कि शुरुआत में ही अगर क्या मिल जाए तो ये तो पक्का हो जाता है कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसमें हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करने वाले हैं, तो आप इंटरचेंज कर दीजिए। सब्जेक्ट है यू,
यू के साथ वर ही लगना चाहिए, तो वर को पहले कर लीजिए और यू को वर की जगह कर दीजिए। तो बिल्कुल सेम किया हमने, ये देखिए यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। फिर नॉट का यूज होगा क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। फिर अबाउट टू का यूज होगा और फिर वर्ब, वर्ब है यहाँ मिलना, मिलने को कहते हैं मीट और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज है इसलिए मीट लिख दिया। फिर हिम, तो क्या तुम उससे नहीं मिलने वाली थी। अब देखिए एक डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस, या अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं डब्ल्यू एच फैमिली के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के नाम से भी बुलाती हूँ। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं जिसमें आप बेहतर समझ पाए। तो तुम क्या कहने वाले थे, आप देखिए आपको लगेगा कि क्या तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे क्या शुरुआत में नहीं है, यहाँ पे क्या बीच में है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन वर्ड लाइक कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, किससे, किसको, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स अगर मिल जाए आपको तो सबसे पहले वो पर्टिकुलर वर्ड हम क्या करेंगे सेंटेंस की शुरुआत में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तुम क्या कहने वाले थे, हमें सर्च करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो इस सेंटेंस में है, एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा क्या, क्या को हमने सबसे पहले लिख लिया। क्या को लिखने के बाद आगे का पूरा पैटर्न बिल्कुल इंट्रोगेटिव पैटर्न की तरह चलेगा और उसमें हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे किया, वॉट लगा लेने के बाद हमने सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया। तो कैसे बन गया, वॉट यू वर होना चाहिए था लेकिन हमने क्या कर दिया, वर यू। फिर नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली का एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर अबाउट टू और फिर वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, कहना, कहने को इंग्लिश में से कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है इसलिए फिर से हमने से लगा दिया। कितनी आसानी से हमने पूछा तुम क्या, हाँ बताइए अब क्या कहने वाले थे। ऐसे हम लोग बहुत ज्यादा, कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, हो सकता है मैंने उसकी बात को उस समय नजरअंदाज कर दिया हो, उसका रिप्लाई ना किया हो। जब मैं फ्री होंगी तब मैं उससे पूछूंगी, हाँ अब आप बताइए आप क्या कहने वाले थे, तो कैसे बोलेंगे, नाउ टेल मी व्हाट वर यू अबाउट टू से, आप अब बताइए कि अब आप क्या कहने वाले थे। तो ऐसे सेंटेंस छोटे छोटे आप बहुत बोलते होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी हम देखें तो ये एक डब्ल्यू एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए कैसे, हम क्यों नहीं बताने वाले थे। यहां पे आपको सबसे पहले देखना होगा इस पूरे सेंटेंस में कि डब्ल्यू एच फैमिली का कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हम क्यों नहीं बताने वाले थे, मिला क्या, क्यों, ये। तो हम क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, सबसे पहले वाई लिख लिया। उसके बाद मैंने अभी यहां बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड लिख लिया जाता है, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड लिख लिया जाता है, उसके जस्ट बाद पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव पैटर्न पे ही चलता है। इंट्रोगेटिव पैटर्न में क्या होता है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह कर देते हैं। तो देखिए वही कर दिया, वी वर होना चाहिए था क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, तो वी वर होना चाहिए था लेकिन हमने क्या कहा, वर वी कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड को लिखने के बाद आगे का पूरा पैटर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह कर देते हैं। तो वाई के बाद वर फिर वी, ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। और फिर यहां पे वर क्यों लगा, क्योंकि वी हम के लिए यूज करते हैं, हम मतलब कई लोगों की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं या दो से दो ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर का यूज होता है। तो वाय वर वी। फिर नॉट का यूज भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली का निगेटिव सेंटेंस है। फिर अबाउट टू का यूज हो गया और अबाउट टू के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे है बताना, बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है इसलिए टेल का यूज हो गया। तो देखिए why were we not about to tell, हम क्यों नहीं बताने वाले थे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, वो जाने वाला था, मम्मी आने वाली थी, पापा ऑफिस जाने वाले थे, मेरा रिजल्ट आने वाला था, सर मुझे डांटने वाले थे, मैं स्कूल नहीं जाने वाला था, क्या तुम मेरे घर आने वाले थे, क्या मैं इंग्लिश बोलने वाला था, क्या आप इंग्लिश पढ़ाने वाली थी, ऐसे बहुत हजारों सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो गाइज अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने इसको बोलने में या इस तरह की राइटिंग करने में, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।